ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਥੈਂਕਸ ਮਾਦੀ ਪਾਨਾ ਤੇ ਪਾਤਾ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਾ ਪਦੰਸ 112 ਜਾਂ 112 ਇਹ ਸੱਪ ਦਾਸਕ ਫੇਰ ਕੀ ਗਾਥਾ ਹੈ ਜੈਤਵਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੱਪ ਦਾਸਕ ਨੇ ਪਵਜਾ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾ सामने बनने के बाद में वो विपसना साधना के लिए जाने लगा, एकांत में बैठने लगा। तो उसके अंदर ग्रस्त की मोह मूर्ता बाकी थी, यानी कि तभी उसको लगता था कि मैं तो ग्रस्त में ठीक था, क्योंकि खाना वगैरह खूब मिलता था, कई टाइम खाना खाता था, ग्रस्त के सुख थे, कभी आओ कभी जाओ, कुछ भी खाओ कुछ भी पहनो कभी कुछ भी रहो। कभी लगता था कि जो भिक्कू जीवन है ये ज़्यादा अच्छा है, इसमें कमाने की चिंता नहीं है, खाने की चिंता नहीं है, धम देशा देनी है तो बदले में कुछ मिलना है, सबके साथ रहना है, कोई दुनियादारी नहीं है इसमें, और अपने आप को लिबरेट करना है, अपने आप को मुख के लिए आगे काम करना है, बैठे रहना है, विपश्यना साधना करनी है। इस जो मोह मूर्ता है इसके अंदर वो फंसा रहा, कभी ग्रस्त में कभी भिक्कू जीवन में। तो ना तो वो ग्रस्त में ही जा पा रहा था और ना ही भिक्कू ही जीवन में आगे प्रगति कर पा रहा था, यानी विपश्यना साधना में कोई प्रगति। बड़ा परेशान था और खींचता भी था, परेशान भी होता था कि अरे मैं कहाँ चक्कर में इसमें फंस गया। कई बार सोचा कि इस जंजाल से निकलें तो अगर मर जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहे, मगर भगवान बुद्ध ने तो बता रखा है कि अगर किसी ने अतहंता भी की, अतहंत भी हुआ यानी आत्महत्या भी की, सुसाइड भी किया, तो भी पीछा छूटने वाला नहीं है, क्योंकि एक सुसाइड करने का पाप और साथ में जुड़ेगा और जहाँ आगे अगला जन्म लेगा वो साथ में जाएगा और उसका दंड और देना पड़ेगा, वो और भुगतेगा तो काम और बढ़ जाएगा, क्योंकि धम में आस्था है और जानता है कि ऐसा होगा, इसलिए आत्महत्या का प्रयास उसने कभी सोचा किया नहीं। इसी चक्कर में चलता चलता समय बीता गया, तो एक बार उसने मन बनाया कि अब मैं भिक्कू जीवन ही जीऊँगा चाहे कुछ हो जाए, और पक्का मन करने के साथ साथ ही उसने अपना सारा आलस छोड़ा और पूरी ताकत से मेहनत की, उद्योग किया, और इतना उद्योग किया उसने कि वो बहुत जल्दी ही अर्हत हो गया। ये चर्चा चली भिक्कुओं में, भगवान के पास आई कि ये जो भिक्कू है, सुप दादासक है, ये इतनी जल्दी अर्हत कैसे हो गया, जबकि ये तो बड़ा आलसी था, बड़ा निकम्मा था और ये कोई मेहनत भी नहीं करता था, फिर ये कैसे हो गया। तब भगवान बुद्ध ने ये गाथा नंबर 112 कही। यो च वस सतंग जीवे कुसीतो हीन वीरियो एकाहंग जीवितंग सयो वीरिय मार भतो दड़हंग। यो च वस सतंग जीवे, यानी कोई अगर जो कोई और ऐसे कैसे जिए, सैकड़ों साल तक जिए कैसे, कुसीतो हीन वीरियो, कुसित माने जो होता है, कुसी माने जो होता है वो होता है आलसी, यानी कि आलस में मेहनत ना करे, विपश्यना साधना ना करे। हीन वीरियो, हीन का मतलब होता है तुच्छ और थोड़ा, और वीर माने होता है बहादुर यानी काम करना, वीरियो माने काम करने वाला, जैसे भिक्कू का नाम है धम्म वीरियो, धम्म वीरियो का मतलब है धम्म का वीर, यानी जो धम्म में वीरता से काम करता है, पूरी मेहनत से काम करता है, उसको वीरियो बोलते हैं, तो धम्म वीरियो। तो कोई हीन वीरियो का मतलब है कि वीर है मगर हीनता में, छोटा काम करने का वीर है, यानी आलसी है बहुत ज़्यादा। तो कोई अगर आलसी है या बहुत ज़्यादा ऐसा वीर है जो छोटे काम करता है, बड़े काम करने की हिम्मत नहीं करता, एकाहंग जीवितंग सेयो, उससे ज़्यादा तो एक बार जीवित रहना ही श्रेष्ठ है, यानी कि एक बार, केवल एक बार ही अगर वो ये काम करे तो उसका श्रेष्ठ है जीवित रहने के लिए। क्या काम करे, वीरिय मार भतो दड़हंग, दड़हंग का मतलब है दृढ़ता से, और वीर माने वीर और मार माने भतो, वीर वीरिय मार भतो का मतलब है कि जो दुख हैं, जो जो मार हैं, जो कष्ट हैं, उसको अच्छी तरह से भत करने वाला वीर, यानी कि दृढ़ता से उद्योग करने वाला, मेहनत करने वाला दृढ़ता के साथ में, वो वीर ज़्यादा अच्छा है जो केवल एक बार मेहनत करे जीवन में, बजाय इसके कि वो आलस से और निकम्मेपन से 100 साल तक भी जिए। तो उस भिक्कू ने, जो भिक्कू सुपदास था, सुपदास भिक्कू ने, सुपदासक ने एक बार मन में बना लिया कि अब मैं दृढ़ता से काम करूँगा, तो उसका बेड़ा पार हो गया और वो अर्हत हो गया। 100 साल तक भी अगर वो पढ़ा रहता कि कभी करूँ या कभी ना करूँ कभी, तो उसका जीवन बेकार था। ये भगवान बुद्ध ने इस गाथा में कहा। धन्यवाद। धम्मपद गाथा कथा नंबर 111 या 111, ये खाड़ू कौंडई की कथा है, खाड़ू कौंडई थेर थेर की। एक बार खाड़ू कौंडई थेर जंगल में विपसना करने के बाद भगवान बुद्ध से मिलने के लिए जा रहे थे।
रास्ते में एक पर्वत मिला ऊंचा, तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा यहाँ विपसना साधना कर ली जाए। वो वहाँ पर्वत पे ऊंचाई के स्थिर पे जाके और ध्यान साधना के लिए बैठ गए। वहीं रास्ते से एक लुटेरों का गैंग आ रहा था, समूह आ रहा था, और वो काफ़ी थके हुए थे क्योंकि उन्होंने रात में लूटपाट की। तो उन्होंने भी वो पर्वत देखा और उन्होंने सोचा कि इस ऊँचे पर्वत पर आराम से थोड़ी देर सो जाते हैं। जब वहाँ वो पहुँचे और तो वहाँ जाके उन्होंने देखा कि एक जो थेर है यानी एक जो भिक्खु हैं वो वहाँ ध्यान में स्थित हैं। उन्होंने अपना वहाँ सामान रखा, खटपट की आवाज़ से जो खाड़ू कोंडई भिक्खु थे उनका ध्यान भंग हुआ। भंग होने के बाद उन्होंने लोगों को देखा। जब लोगों को वहाँ देखा तो जो चोर थे उन्हें बड़ी जिज्ञासा हुई कि इसके पास में तो कोई सामान भी नहीं है, और दूसरी उन्हें जिज्ञासा इस बात की हुई कि ये यहाँ शांति से बैठा हुआ है और इसके चेहरे पे बड़ा सुख है, बड़ी शांति है, जबकि हम इतना सामान लूट के लाए हैं और इतना सामान हम लूटते हैं और रोज़ हम लूटपाट का सोचते रहते हैं, हमारे चेहरे फिर भी अशांत हैं, हम फिर भी परेशान हैं और हमारे घर में कोई तरक्की भी नहीं है और इस जैसी शांति तो हमारे पास है नहीं। तो वहाँ चोरों के सरदार और चोरों ने वहाँ उनसे पूछा कि भाई आप इतना शांत क्यों हो, आपके पास तो कुछ सामान भी नहीं है, क्या आप सुखी हो? जो कोंडई भिक्खु हैं खाड़ू कोंडई, उन्होंने कहा कि मैं परम सुख में हूँ, परम आनंद में हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मैं अभय हूँ। तो उन्होंने कहा भाई आपके पास कोई सामान तो है ही नहीं, हमने अच्छी तरह देख लिया आपके पास में ये जो कपड़े पहन रखे हैं आपने, इसके अलावा कुछ नहीं है, सब टटोला हमने, फिर भी आप बिना सामान के सुखी कैसे हैं, जबकि हम तो इतना सामान लेके घूमते हैं, इतना सामान हमारे पास है, फिर भी हम दुखी हैं, फिर भी अगले दिन चोरी का प्लान बनाते रहते हैं। तब उन्होंने बताया कि अगर ये जो सामान है, ये सामान जो साथ होता है, ये हमारा राग है, ये हमारा द्वेष है, एक बार जो सामान हमारे पास आता है फिर वो सामान हमारे लिए बेकार हो जाता है, हमें और सामान चाहिए, ऐसे हमारी तृष्णा का चक्र है जो चलता रहता है और हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और जितना हमें मिलता रहता है हम उतने की चाहत करते रहते हैं, हम इस भवन चक्र में फंस जाते हैं और इसमें फंसने के बाद में हमें सुख तो दूर की बात है, हमें दुख ही दुख प्राप्त होता है। तो वो पूछते हैं कि इस चक्र से निकलने का तरीका क्या है? तो वो कहते हैं जो खाड़ू कोंडई हैं कि आपको पवज्जा ग्रहण करनी पड़ेगी, तो आपको इसका रहस्य, इसकी जानकारी सही से मालूम होगी, क्योंकि मेरे शब्द बताने से इतना नहीं होता, जो पट्टी पत्ती है वो पूरी तरह से ठीक तरह से जानी जाएगी। तो भिक्खु सारे जितने भी चोर होते हैं वो भिक्खु से प्रार्थना करते हैं कि हमें पवज्जा दें, भिक्खु उनको वहाँ पवज्जित करते हैं और पवज्जित करने के बाद में भगवान बुद्ध के पास लेके जाते हैं, सारी बात भगवान बुद्ध के संज्ञान में आती है। तब भगवान बुद्ध ये गाथा जैतवन में कहते हैं, यो चे वस सतंग जीवे दुपयो असमाहितो एकाहं जीवितं सयो पये वन तस्से झाइयो। गाथा नंबर 110, 111, 112, 113, 114 और 115 ये लगभग सारी एक सी हैं, इनमें एक ही शब्द बदल रहा है, कथाएं अलग अलग हैं मगर सब लगभग सबका जो मतलब है वो एक सही है। ये ध्यान देने वाली बात है क्योंकि पहले वाले शब्द के अंदर जो आता था वो आता था सील, आता था जिसमें एक सौ गाथा नंबर 110 में सीलवान की बात थी, यहाँ पहियावान की बात है, यानी कि एक दुपहियो है, यानी कि जिसकी दुष्प्रज्ञा है, खराब प्रज्ञा है, खराब समझ है, और एक सही प्रज्ञा है। जो गाथा नंबर 110 है उसमें सील की बात है, एक के दुसील हैं और एक के सील अच्छे हैं। तो ये कहते हैं यो चे वस सतंग जीवे, यानी कोई अगर जीवे जीवित है कैसे, वस सतंग, वस माने वर्षा वरस और सतंग माने सौ, सौ साल तक कोई जिए, दुपहियो ए समाहितो, दुपहियो का मतलब है दुष्प्रज्ञा के साथ, जो खराब समझ है, यानी जैसे चोरों की खराब समझ है, चोर लूटते हैं, अच्छी समझ नहीं है, मगर अच्छी समझ क्या है कि लोगों का कल्याण करें, उसको अच्छी समझ बोलेंगे, तो समझ तो है मगर लूटने की है, दुपहिया है, दुष्प्रज्ञा है, और असमाहितो और अस्थिर चित्त है, यानी जो मन है वो अस्थिर है, सुबह रात को लूटते हैं, सुबह को फिर प्रोग्राम बनाते हैं, रात को लूटते हैं फिर प्रोग्राम बनाते हैं, चित्त में स्थिरता ही नहीं है, सामान और चाहिए और चाहिए और चाहिए, अस्थिर चित्त है। एकाहंग जीवितंग सेयो, एकाहंग जीवितंग सेयो का मतलब है एक ही बार, यानी कि जो एक केवल एक ही बार श्रेष्ठ है जीवित रहना, कब, पय्यवंतस्य झायो, पय्यवंतस्य का मतलब है पय्यावान का, पय्यावान यानी प्रज्ञावान समझदार का, झायो माने ध्यानी का, यानी ध्यानी का एक बार का जीवन ही, जो वो एक ही बार जीले सिर्फ ध्यान में समझदारी से, वो बेहतर है सौ साल तक अगर खराब प्रज्ञा के साथ जीते हैं तो उससे। यह गाथा नंबर 111। धन्यवाद आप सभी से
ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Kameshu Michchara Virmani Sikkhapadam Smadhyami.